नमस्कार दोस्तों, अरविंद सोनू टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो हम आपको बताएंगे कि आप ओप्पो फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे चालू कर सकते हैं। सिंपल तरीका, सबसे पहले आप अपना कॉल्स डायल पैड जो है वो आप ओपन कर लीजिएगा। इस तरीके से आप जैसे ओपन करेंगे दोस्तों, आपको मैं बहुत ही कम समय में आपको बताऊँगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप यहां देख सकते हैं जो थ्री डॉट का ऑप्शन, जो टू डॉट का ऑप्शन जो दिख रहा है, आपको इस पर टैप करना है एक बार। उसके बाद टैप करने के बाद यहां से देख सकते हैं जो सेटिंग का ऑप्शन जो दिख रहा है, आपको सेटिंग के ऑप्शन पे आप टैप करेंगे। जैसे उस पर आपने टैप किया, उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्लाइड करके जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, आपको इसको ओपन करना है। जैसे ये ओपन करेंगे, इसमें कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, जो आपको मेन ऑप्शन आपको चालू करना है, कॉल रिकॉर्डिंग चालू करनी है, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड कैसे होता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो वही आपको मैं बताऊँगा बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो रिकॉर्ड ऑल कॉल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको दोस्तों आपको अनेबल यहाँ पर यानी चालू कर देना है, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ, यहाँ से क्या करना है दोस्तों। ये ऑटोमेटिक कॉल जो है ये ऑन हो चुका है। अब आपको आसानी से आप किसी भी नंबर से बात करेंगे, कोई भी नंबर, प्राइवेट नंबर हो या आपके फ़ोन में जो सेव नंबर है, सबका कॉल रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये कॉल रिकॉर्ड होगा, ठीक। ये सिंपल तरीका दोस्तों, इस तरीके से आप भी कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। और कमेंट कीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद।